मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं योगदान के बारे में। जब यह अयोध्या का आंदोलन चल रहा था और निर्णायक घड़ी आ गई, बाबरी हमारे सामने टूट गई, तो जो लोग अपने आप को आज योद्धा मानते हैं वहां से कैसे भाग गए और ये हमने काम नहीं किया, ये हमारा काम नहीं है, ऐसे डर के मारे छाती पीट रहे थे। उस वक्त बाला साहेब ठाकरे शिवसेना प्रमुख सामने आए और कहा, यस, अगर ये हमारे शिवसैनिकों ने किया ये भाजपा का कहना है तो मुझे गर्व है ऐसे शिवसैनिकों के ऊपर जिसने ये काम किया है राम मंदिर के लिए। और ये भागने वाले लोग आज हमें योगदान के बारे में पूछ रहे हैं, आपका योगदान क्या, बताइए आपका योगदान क्या है। आप तो वहां मैदान छोड़कर भाग गए थे, आप भगोड़े हैं इस हिंदुत्व के मैदान से, मैदान क्या भगोड़े हैं। आप हमसे सवाल मत पूछिए, अयोध्या के लड़ाई में अगर योगदान रहा है तो लाल कृष्ण आडवाणी जी जिसने रथ यात्रा निकाली, और दूसरे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे, अशोक सिंघल जी विश्व हिंदू परिषद के उस वक्त के प्रमुख, श्रीचंद दीक्षित जी, विनय कटियार जी, उमा भारती जी, साधु रुतंबरा जी, आप कहां थे, ये लोग कहां थे। थैंक यू। सो फडणवीस ने कहा है कि मोदी की हवा है, फडणवीस ने कहा है कि फिलहाल मोदी की हवा है। पूछना चाहेंगे, अब रूलिंग गवर्नमेंट ये कह रहा है कि इंडिया ब्लॉक के पास पीएम का चेहरा नहीं है और वो खुद भी डिवाइडेड है। सीनियर पवार ने भी ये कहा है कि इंडिया ब्लॉक को जरूरत नहीं है पीएम का फेस दिखाने के लिए। हम भी ये कहते हैं कि कोई जरूरत नहीं है, हमारी लड़ाई जो है वो तानाशाही के खिलाफ है, हिटलर शाही के खिलाफ है, और हमारे पास एक से ज्यादा चॉइस है प्राइम मिनिस्टर के लिए। बीजेपी के पास तो एक ही घिसा पिटा चेहरा है 10 साल से 15 साल से, और क्या है। लोगों को चॉइस तो होना चाहिए ना, ये भी बन सकते हैं, ये भी बन सकते हैं, ये भी बन सकते हैं, राहुल गांधी बन सकते हैं, प्रियंका जी बन सकते हैं, उद्धव ठाकरे बन सकते हैं, या खड़गे साहब बन सकते हैं, इतने चेहरे हैं ना, उसमें से एक चेहरा आ जाएगा। जयदीप धनखड़ के इंसिडेंट के ऊपर अभी तक राहुल गांधी ने चुप्पी साध रखी है, ये किस तरीके से पूरे देश ने चुप्पी साधी। राहुल जी का नाम आप क्यों लेते हो। देखो ये देश जो है ये कला संस्कृति को बहुत सबसे बहुत पहले से क्या बोलते हैं सपोर्ट करता है। कोई अच्छा कलाकार है, कोई अच्छा कला पेश करता है। जगदीश धनखड़ जी देश के उपराष्ट्रपति है, मैं मानता हूं कि उनके पद का सम्मान आज गरिमा रहनी चाहिए। लेकिन अगर कोई कलाकार, अभी बड़े बड़े नेताओं की मिमिक्री होती है, व्यंग किया जाता है, साहित्य में किया जाता है, सिनेमा के पर्दे पर किया जाता है, तो ये लाइट ले ले।